सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के दसवें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग कल के श्लोक के अनुवाद को पढ़ेंगे जो इसी श्लोक से जुड़ा हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नौवें श्लोक में, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक को कल जटिला राधिका माता जी ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया था। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो आविर्भाव होता है, यानी जो इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वो माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। जैसे रामावतार में भगवान श्री राम भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना शिशु रूप धारण किया था। तो इस आविर्भाव को और उनकी जो कर्मों की दिव्य प्रकृति को, यानी भगवान के अवतार लेने के इस धराधाम पे क्या प्रयोजन होता है, वे क्यों प्रकट होते हैं, क्या वो लीलाएं करते हैं, इन सबको जो पूरी तरह भली भांति जान लेता है उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, वह फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह नौवें श्लोक का आशय था। और दसवें श्लोक का जो अनुवाद है, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरे प्रति दिव्य प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। यानी हमारी जो संसार में आसक्ति है, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, धन में, संपत्ति में, या भौतिक जितने भी पदार्थ हैं उनमें, या जो सांसारिक भय है, या जो क्रोध है, यानी जितने भी मलिनताएं हैं हमारे शरीर के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, प्रमाद, इन सब से मुक्त होकर जब प्रभु की सेवा में, उनकी भक्ति में जब कोई तन्मय होकर उनके शरणागत हो जाता है, तब उसे भगवान का पवित्र ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा दिव्य प्रेम मेरे बहुत सारे भक्तों को प्राप्त हुआ है भूतकाल में, यह भगवान बता रहे हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसका तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से किया है, उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है विस्तार पूर्वक, आप लोगों ने सुना ही है, मैंने पढ़ा है। तो सिर्फ इसमें दो तीन पॉइंट को मैं उसको कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा जितना मेरे समझ में आएगा। इसमें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहला पॉइंट है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये परम सत्य क्या है, आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम के जो पहला श्लोक है उसमें ही परम सत्य के विषय में पूरी जानकारी दी गई है। और इसी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक का जो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी ने किया है वो 6 पेज में किया है। तो कितना महत्वपूर्ण यह श्लोक है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। जन्मादस्य यतो न्यायादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत् प्रतिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का नाम इसमें अंकित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अनुवाद में बहुत सारे जगह भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने नाम लिया है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। अनुवाद में उन्होंने उनका जिक्र किया है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का नाम उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने परम सत्य से संबोधित किया है। तो ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है और आगे बताते हैं श्री गोपाल जी इसके तात्पर्य में। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है, ये जो भौतिकतावाद में लीन होते हैं या जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए समझ पाना कठिन है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे श्रीधाम ब्रजधाम में, मथुरा में उनका प्राकट्य हुआ था और ब्रज में उन्होंने सारी लीलाएं की थी, तो उस ब्रज में भी बहुत सारे ऐसे भौतिकतावादी लोग थे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे जो उनको भगवान नहीं मानते थे, जैसे कंस, शिशुपाल, ऐसे बहुत सारे थे, जरासंध, ये सब उनको व्यक्ति मानते थे, उनको परमात्मा नहीं मानते थे। तो इस वही बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि आखिर हम लोग परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है क्या, इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो इसमें जैसा कि हमारे आचार्यगण वैष्णवजन बताते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हमें गुरु की शरणागति करनी पड़ेगी, गुरु का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद हमें किसी गुरु परंपरा से जुड़कर ही गुरु शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके उदाहरण स्वरूप बताया गया है, हमारे श्री प्रभुपाद जी भी बताए हैं कि जैसे एक अधिकृत भारतीय डाक विभाग के अधिकृत लेटर बॉक्स होते हैं, उसमें अगर कोई भी पत्र डालेंगे तो उसका जो निश्चित गंतव्य स्थान है वहां तक वो पहुंचेगा, लेकिन उसी से मिलता जुलता कोई अगर लाल बॉक्स है लेकिन वो भारतीय डाक विभाग द्वारा अगर अधिकृत नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, तो उस बॉक्स में आपको लेटर या पत्र डालते हैं तो वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हमें किसी न किसी गुरु परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, हमें गुरु की शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी और गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की कृपा से, दया से, फिर संतों वैष्णवों की संग से, उनकी सेवा से, शास्त्रों का नित्य अध्ययन करने से और गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन करने से हम लोग परमात्मा को जान सकते हैं। ये गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन करना क्या है, इसके बारे में हमारे आचार्य और संतजन वैष्णवजन बताते हैं, खास करके हमारे इस गौरीय संप्रदाय में, कि हमें नित्य चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा। इस
चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में जो आता है आप सबको मालूम ही होगा, मांसाहार नहीं करना, नशा पान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। उसके बाद है कम से कम 16 माला जप करना, नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम गीता का अध्ययन करना, वैष्णवों का संग करना, भगवान की श्री अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करना और भगवान को भोग अर्पित करके ही प्रसाद ग्रहण करना। ये सब सारी जो नित्य नियम है इन सबका अगर हम पालन करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं, संतों वैष्णवों के सेवा में रहते हैं, तो हम प्रभु को जान सकते हैं और परमात्मा को हम जान सकते हैं। इसके बाद श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं अपने तात्पर्य में, मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। यहाँ पे अपने तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तिमय जीवन हमें कैसी बितानी चाहिए और दिव्य ईश्वरीय प्रेम क्या होता है, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताते हैं प्रभुपाद जी। और इसका उद्धरण श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक से करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति ही ततो निष्ठा रुचिस्ततः तथा शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदन्तति साधकानामयं प्रेम्नः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमा। ये इसमें सर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये भक्ति का विज्ञान है। एक तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता ही है जो भक्ति का विज्ञान है, और उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस दिव्य, इस भक्ति के विज्ञान के द्वारा दिव्य प्रेम तक पहुंचने की 9 सीढ़ी हैं, 9 सोपान हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, ये 9 सीढ़ियां हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और नवा जो सोपान है, सीढ़ी है, वो है प्रेम। ये पहली सीढ़ी जो है भक्ति की, श्रद्धा, इसकी शुरुआत तब होती है जब हमें भगवान को जानने की इच्छा हमारे मन में प्रकट होती है, हमें भगवान के प्रति जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। और जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है तो फिर क्या होता है, हम साधु संग करते हैं, यानी गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं, गुरु के शरणापन्न हो जाते हैं। और गुरु के शरणापन्न होने के बाद जो तीसरी सीढ़ी है भजन क्रिया, यानी भजन क्रिया में हमें गुरुदेव सिखाते हैं कि साधना भक्ति कैसे की जाती है, वैधी भक्ति कैसे की जाती है। और जब हम साधना भक्ति भगवान के वैधी भक्ति में लग जाते हैं, भजन में लग जाते हैं, तो फिर हमारी जो हृदय में जो अनंत जन्मों की जो अनर्थ है, यानी काम वासनाएं हैं, भौतिक भोग की लालसाएं हैं, वो सब नष्ट होने लगता है। इसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। ये चौथा सीढ़ी है। तो ये भजन क्रिया से हमारी सारी हृदय के अंदर जो काम वासनाएं रहती है, संसार की भौतिक इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाती है। तो ये जो चार सीढ़ी है उसके लिए तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसके बाद जो ये पांचवी सीढ़ी है वो फिर अपने आप
हो जाता है, यानी वो है निष्ठा, यानी भगवान के चरण कमलों में हमें हमारी दृढ़ विश्वास हो जाती है, निष्ठा हो जाती है, तो फिर हमारे पतन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती है इस पांचवें सीढ़ी पे आने के बाद। फिर वो विश्वास जो है वो डिगता नहीं है, वो विश्वास एकदम पक्का हो जाता है। फिर छठा सीढ़ी है रुचि। रुचि में क्या होता है कि हमें भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने की प्यास जगती है, यानी पिपासा हो जाती है। एक होता है कि भाई कहीं भगवान की कथा हो रही है, भगवान का कहीं कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो अभी हमारे कोई संबंधी करा रहे हैं या कोई मित्र करा रहे हैं, उन्होंने निमंत्रण भेजा है तो चलो जाना पड़ेगा, चले जाते हैं, आधा घंटा एक घंटा बैठ जाते हैं, औपचारिकता पूरा करके चले आना है। लेकिन रुचि जागृति होने में ऐसा नहीं होता है, फिर हमें एक प्यास अंदर जग जाती है, पिपासा होती है कि कहाँ हमें भगवान की कथा सुनने को मिले, कहाँ सत्संग हो रहा है, हम वहाँ पहुंचे और भगवान की लीला कथा का श्रवण करें। सातवीं जो सीढ़ी है वो है आसक्ति। इसमें हमारे हृदय के अंदर भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, उनके भक्त के प्रति एक आसक्ति हो जाती है, उनसे लगाव हो जाता है, उनसे संबंध हो जाता है, मतलब उनके बगैर हम रह नहीं सकते, इस प्रकार की एक अटूट बंधन हो जाता है उनके साथ, भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और उनके भक्तों के साथ हमारी आसक्ति हो जाती है। और इस भक्ति की जो आठवीं सीढ़ी है वो है भाव। यहाँ तक तो पहुंचने में और इसका वर्णन करने में भी शब्द नहीं है, ये जो भाव है ये तो ब्रज गोपिकाओं के पास में थी, ब्रज की गोपियाएं थी हमारे चैतन्य महाप्रभु। इस भाव में जब भाव अवस्था में कोई पहुंचता है तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जब भगवान के भक्ति में जब हम लीन हो जाते हैं तो भाव जब प्रकट होते हैं तो वो शायद आठ प्रकार के होते हैं, जैसे रोंगटे, जैसे हम भगवान के भाव में जब डूब जाते हैं उनके ध्यान में, चिंतन में, स्मरण में, तो कभी कभी बड़े बड़े अच्छे उच्च स्तर पर जो पहुंच जाते हैं उन भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी अश्रुपात होने लगते हैं, कभी वो रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी उनके शरीरों से पसीना निकलने लगता है, कभी मूर्छा आ जाती है, कभी शरीर में कंपन होने लगता है, कभी उनके बारे में कथा करते करते या भजन करते करते उनका गला रुंध जाता है, पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है। तो ये सब जितने भाव प्रकट होते हैं वो हमारे चैतन्य महाप्रभु इसके सबसे बड़े उदाहरण है, जो भगवान के कीर्तन करते 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 मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे, तो ये भाव की अवस्था में ऐसा होता है। और ये जो नवी सीढ़ी है, अंतिम अवस्था जो है हमारे भक्ति का, वो है प्रेम। इस प्रेम की अवस्था में पहुंचने के बाद तो भक्त की, प्रेमी की दिनचर्या ही बदल जाती है, उनके हाव भाव, उनके व्यवहार, उनकी वाणी पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, और वो तो फिर हर क्षण हर पल केवल अपने प्रियतम का, भगवान श्री कृष्ण का, उन्हीं का चिंतन सुमिरन हर क्षण हर पल करता रहता है, और उनके हाव भाव, दिनचर्या, व्यवहार, वाणी सब कुछ बदल जाते हैं। तो फिर जो जो भौतिक आसक्ति वाले होते हैं, ये सांसारी लोग होते हैं, उनको पागल तक कहते हैं, वो प्रेम की उच्च अवस्था होती है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वर्णन किया है इस नवों सीढ़ी का, भक्ति का जो सीढ़ी है, और फिर आगे भी उन्होंने इसका अनुवाद बताया है जिसको मैंने पढ़ा ही है। तो इतना ही मुझे जो कुछ लगा, टूटी फूटी भाषा मैंने आप लोगों को सुनाई, और कुछ इसमें कोई जोड़ना चाहें, कोई किसी का कुछ प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।